सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। क्योंकि इनके साथ रह के अगर किसी को हक हिस्सा अधिकार मिलना होता तो इन 72 सालों में उनको मिल चुका होता। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 में आप भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे और आपने सरकार बनाने कोशिश करेंगे? भाजपा के साथ तो हम लोग 2017 में काम किए ही थे। हाँ। और वो लोग कितना काम करते हैं हम लोग देख चुके हैं, लोगों के सामने भी रख चुके हैं और अब जनता देख रही है कि वो लोग कितना काम करते हैं। इस प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कोई भी अंदर चला जा रहा है। अभी आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, कोई हज गया हुआ है उसका नाम सीए के प्रोटेस्ट में है, उसको उसके नाम की नोटिस आ रखी है। कोई 6 साल पहले मर चुका है उसके नाम की नोटिस आ रखी है। ऐसे तो काम कर रही है प्रदेश की पुलिस। तो भाजपा के साथ जितना काम करना था हम लोग साल भर में 1 साल 1.25 साल करके देख चुके हैं। वो लोग काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। वो लोग सिर्फ या तो वो लोग अपनी विधवा विलाप करेंगे, या तो पुरानी सरकारों को कोसेंगे, या मोदी जी की भक्ति में लीन रहेंगे। वो लोग वो महिमा मंडल गाने के अलावा भाजपा के नेता दूसरा काम नहीं करते हैं। जमीन से जुड़ी समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। ये कानून लाए क्या क्या बताना चाहते हैं भाई? एक बताना चाहते हैं कि अमित शाह जी माननीय हमारे गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है संविधान को उन लोगों ने ठीक से उसका अर्थ समझा नहीं है। हमारा भारत धर्म निरपेक्ष रहा है शुरू से, और धर्म के आधार पे किसी को नागरिकता ना देना। मेरे कुछ छोटे प्रश्न हैं जो शायद बहुत वाजिब हो सकते हैं। अगर जैसे हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि वो आतंक परस्त देश है, कोई भी कहीं से आतंक करता है और पाकिस्तान जाता है तो उसको एक अच्छी जगह मिल जाती है, हमने अपने देश में क्या ये नियम पास करने के पहले ये सोचा कि वो आदमी जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है, क्या उसने उसका वहाँ पर रिकॉर्ड कैसा है? क्या हम एक बार कंसिडर करते हैं इस चीज़ को कि वहाँ से कहीं वो अपराध करके तो नहीं आ रहा है, कहीं वो ऐसा कुछ काम करके तो नहीं आ रहा है जिससे उसे सामाजिक रूप से समाज में नहीं रहना चाहिए? ऐसे में इन बातों के बारे इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इस नीति में एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फ्लॉड है, जो सरकार साफ नहीं कर रही है। जैसे कि इन लोगों ने सबके बारे में क्यों नहीं सोचा, इन लोगों ने श्रीलंका से आने वाले तमिलों के बारे में क्यों नहीं सोचा, इन लोगों ने तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्टों के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आप चाइना से डर गए हैं? क्या चाइना के बारे में सोच रहे हैं? आपने उन बुद्धिस्टों के बारे में नहीं सोचा, आपने ट्राइबल एरियाज़ की मूल भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, आपने ये नहीं बताया कि जिन लोगों की नागरिकता नहीं मिलेगी वो जाएंगे कहाँ? हमारे गृह मंत्री और राष्ट्रपति संसद में बोलते हैं कि डिटेंशन कैंप्स हैं, जबकि सरकार प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में बोलते हैं डिटेंशन कैंप्स नहीं है। तो बहुत सारी कवायद है जो क्लियर नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आज के डेट में जब हमारी अर्थव्यवस्था की भी ठीक नहीं है, ऐसे में जब ये लागू होगा पूरे देश में NRC और CAA, तो उसका क्या खर्चा आएगा, उसका क्या जो सरकारी बोझ आएगा सरकारी राजकोष पे, ये सब इसकी पूर्ति कैसे होगी इस अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके हम लोगों के अपना आरक्षण है। हम लोग चाहते हैं उन बिंदुओं पे बात हो। और इस सरकार में आज मुझे लगता है कि एक तरीका बन गया है कि बिना चर्चा के बिल पास कर दिए जाते हैं। भले ही लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन उस लोकतंत्र का पालन नहीं हो रहा है। इसका क्या आप मतलब इसके बम्पर विरोध कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हमारा जो विरोध है हम लोग सामने रख चुके हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने सदन में भी इस बात को उठाया था। हमारा जो पक्ष है हम लोग अपनी बात रख चुके हैं।